Aman ya Rabbi aman, aman ya Rabbi aman. तुर्की में 6 फरवरी 2023 की सुबह करीब 4:15 बजे 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र गाजियाटेप इलाके में था। अब तक मौतों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 1000 से ज्यादा जाने इस भूकंप में जा चुकी है और यह आंकड़ा 10,000 से भी ज्यादा पहुंच सकता है। इस भूकंप में दर्जनों इमारतें गिर गई है। पेट्रोल की पाइपलाइन फटने से कई जगहों पर आग लग गई है। गाजियाटेप सीरिया सीमा के पास स्थित है। सीरिया में भी तबाही मची है। अमन या रबी अमन, अमन या रबी अमन। चल दे इसे मत ले, नहीं चुमा दिस। अल्लाह हो अकबर। पिछले 24 सालों में आए भूकंपों की वजह से तुर्की में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा बड़ा भूकंप आया। इससे लोग खौफ में आ गए। दोनों भूकंपों ने तुर्की और सीरिया को कम से कम 6 बार जोर जोर से हिला डाला। सबसे बड़ा झटका 40 सेकंड तक महसूस किया गया। इसी ने सबसे ज्यादा तबाही भी मचाई। असल में तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर बसा हुआ है और इसीलिए किसी भी प्लेट में जरा सी हलचल पूरे इलाके को हिला देती है। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है। एनाटोलियन का मतलब छोटा एशिया होता है। इस प्लेट के पूर्व में ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, बाईं तरफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जो अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर इतना बड़ा भूकंप आया क्यों। दरअसल तुर्की के नीचे मौजूद एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। साथ ही इसे अरेबियन प्लेट धक्का दे रही है। अब ये घूमती हुई एनाटोलियन प्लेट को जब अरेबियन प्लेट धक्का देती है, तब ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है और तब भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए जाते हैं। दूसरी तरफ एक थ्योरी ये भी है कि एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट धरती के क्रस्ट का वो तैरता हुआ बड़ा हिस्सा है जो 3 प्लेटों के बीच समुद्र में तैर रहा है। उत्तरी एनाटोलियन प्लेट की स्टडी के बाद पता चलता है कि वो एनाटोलिया यूरेशियन प्लेट से अलग हो चुकी है और ये पूरी प्राकृतिक घटना साइप्रस के नीचे हो रही है। दरअसल इस पूरे एरिया में 7 रिक्टर स्केल के ऊपर 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस वजह से इस पूरे एरिया में भारी तबाही मच गई। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पे पूरी बिल्डिंग्स भरभरा कर गिर गई और इससे हजारों लोगों की जान चले गई। हम उम्मीद करते हैं और यही दुआ करते हैं कि मौतों का आंकड़ा अब और ज्यादा ना बढ़े और जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। आज के लिए स्टूडियो में इतना ही, बने रहें। अल्लाह हू अकबर।